हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में, एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, इंस्टाग्राम पर काफी लोग इसको फनी वीडियो बना रहे हैं इसके रिलेटेड, जो मोया मोया नाम की डिसीज जो है क्या है, तो इसको लेकर एक सॉन्ग भी है उसी पर लोग वीडियो बना रहे हैं। तो ये क्या है, वो जो है गाने के जो लिरिक्स है मोए मोए है, ये जो बीमारी का नाम है ये है मोया मोया। तो ये जो बीमारी है दोस्तों, ये एक ब्रेन से जुड़ी या दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है जो कि मोया मोया जो है जापानी वर्ड है, जापानी शब्द है, इसका मतलब होता है धुएं का एक गुब्बार। तो ये जो बीमारी है ये एक मानसिक बीमारी है, दिमाग से जुड़ी बीमारी है, जिसमें जो व्यक्ति है वो सोचने की क्षमता है, फिर उसकी बोल सकते हैं दिमागी क्षमता उसकी कम हो जाती है। ये जो होती है कंडीशन क्या होती है इसमें, कि जो हमारे हार्ट से जो दिल से जो ब्रेन की तरफ हमारे जाने वाली जो आर्टरी होती है, जो धमनियां होती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, छोटी होने लगती हैं, नैरो होने लगती हैं ब्रेन की। तो आर्टरी जैसे कि कौन कौन सी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरीज और जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती हैं, तो ये दोनों सिकुड़ने लगती हैं, हार्ट से ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं, ये दोनों सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है, तो उसमें ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं, किसी किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है दोस्तों। अब इसमें जो कारण होता है इसका, कि दिमाग की कार्य क्षमता कम हो जाती है किसी किसी की, या फिर किसी को जो है कई कई कंडीशन में उनके ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मतलब उनके दिमाग के अंदर जो है खून बहाव हो जाता है, खून का बरक स्राव हो जाता है। आगे चलकर ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो मोया मोया जो है एज ग्रुप की बात करें, किन किन लोगों में ज्यादा ये देखने को मिलती है, किन में कॉमन होती है, तो बच्चों में ये जो है कॉमन होती है, और इसके अलावा ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, जो एडल्ट पेशेंट होते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलती है, लेकिन कॉमन जो बच्चों में होती है ज्यादातर। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं कि इसको पहचाना कैसे जा सकता है। तो ये जो बीमारी होती है, तो अगर जैसा कि आप जानते हैं, अगर दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसमें MRI या फिर CT स्कैन ही कराया जाता है, तो इसको भी CT स्कैन या MRI से ही डायग्नोस किया जाता है, पहचाना जाता है। इसके अलावा एक एनजियोग्राम होता है, तो एनजियोग्राम से भी इसको पहचाना जाता है, इनके आधार पर इसका जो है ट्रीटमेंट होता है कि किस लेवल की डिसीज है, आगे बढ़ी हुई है, किस क्या कंडीशन है। इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, इसको मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता, ये सर्जिकल बीमारी मतलब सर्जरी से ठीक होने वाली बीमारी है। तो ये होता है मोया मोया का असली मीनिंग दोस्तों। तो कैसी लगी आपको जानकारी, काफी अच्छे से हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे।